सच्चा सोना सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है। तो जी, जो भी मेरे बहन भाई देश पर देश से देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। और जो मेरे चैनल पर अभी नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जो देखिए मेरा अभी नहीं, अल्लाह हाफिज़ कहना और मेरे से दिखे जाऊँ, अल्लाह हाफिज़ नहीं अभी कह रहा। अभी तो हमने उनको वेलकम कहा है ना, अभी तो अस्सलाम वालेकुम किया। तो ये देखें, इस ये शेर से ना लड़ाई हो रही है हमारे घर में। ये है अरूज का और भैया कह रहा मैंने लेना, फारिया कह रही मैंने लेना, वर्दा कह रही मैंने लेना। जी आपने लेना, दो भैया को दे दो। ये देखो कह रहा मैंने लेना, नहीं लेना, ये लो कैरी कर लो। तो जी आज दिन भर मैंने इतना काम किया ना कि मेरी ना तबीयत अब अपसेट हो गई है। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ आज मैंने क्या क्या कमाल किया। सबसे पहले तो मैंने मशीन लगाई, सारे घर के जो पर्दे थे वो धोए। उसके बाद मैंने बाइक धोई, उसके बाद मैंने दो चारपाइयाँ धोई, ये वाली वो दिखाओ भाई। इधर बैठो बैठो, मैं अभी आ रही हूँ। मैं अपने बहन भाइयों को अपनी कमाल तो दिखाऊँगा। आज मैंने जो किए हैं, ये दो चारपाइयाँ धोई हैं और उसके बाद मैंने जो किया ना, ये सारे शहर की सफाइयाँ की हैं और भैंसों को भी नहलाया। और मैंने सारी उधर से पाथियाँ उठा कर ना, उधर से सारी इकट्ठी करके तभी मैं ये जाले उतारने लगी थी। तो ये जो पीले रंग की मक्खियाँ ना मेरे पीछे पड़ गई, मैं तो भाग गई ये झाड़ू फेंक के इधर ही। ये जाले अभी उतारने वाले रह गए, वो देखे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है ना तोड़े भर के रख दिए पाथियों के। मैंने कहा गाय चाहती हो तो फिर बहुत मसला बनता। तो ये भैंसे वगैरह को गतावा वगैरह किया, ये भी खा रही हैं। अभी हरे पट्ठे तो आए नहीं, वो क्या कहते हैं चारा। तो ये माशाल्लाह से देखें, ये हमारी भैंस सोनी सी है, ये भी सोनी सी है और ये बहुत है तेज तरार। ये तो मारते हैं दूर से, ऐसे करते हैं। तो एक दिन तो मुझे इन्होंने इधर मारा था, तो मैंने वो आपको बताया ही नहीं, मेरे बहुत ज़ोर से इसने ना वो ऐसे करके मारा। मम्मी आ जाओ। हाँ जी, आप क्या लेने आए हो इधर? ये देखें मम्मी चारा खा रही हैं और उनके पास आ गई हैं। वही वही वही, ये बहुत पाला सा बेबी है, ये थोड़ा सा कमज़ोर है, वो थोड़े से हेल्दी हैं दोनों। वो बहनें, ये तीनों बहनें हैं। इधर आओ खा लो। अभी ये भी बेचारे, मैं तो गई नहीं चारा लेने, नहीं तो ये हरा हरा चारा खाती हैं तो खुश रहती हैं। अभी ये भी बेचारी सूखी पकड़ो पारी को लो, वो तो मारती है ना पारी को। आई आई आई, इतना पार आता तुझे, तूने भी करनी है पार। ये लो ऐसे करो, ऐसे कर लो। बिस्मिल्लाह, गिर गई। चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ, उधर आ जाओ। चलो आओ, लाइट आ गई है भाई, पंखा लगा दो, मारो। चल आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चल ना। जी तो मैंने अभी ना जलेबी मंगवाई हैं, चाय भी बनाई है, मैंने वेट कर लिया थोड़ा सा भी लेके आए हैं। तो जिस मेरे बहन भाई ने हमारे साथ चाय पीनी है, जलेबियाँ खानी है, वो भी आ सकते हैं, जलेबियाँ खा सकते हैं। तो मक्खियाँ कह रही पहले हमने खाना है, तो ऐसा मैंने होने नहीं देना। आज यकीन मांग कर जाने इतना थक गई ना कि बस सब, तो मेरा दिल कर रहा बस चार पाई हो और मैं लेट जाऊँ। तो साथ खाना भी बनाया मैंने, कद्दू शरीफ भी बनाया और साथ चने भी बनाए, दो हांडियों में पकाई। इतना काम किया, मेरा जो बीपी है ना वो मेरे ख्याल में लो हो रहा है। तो मैंने कहा चलो, पता नहीं लो हो रहा कि ज़्यादा हो रहा है। ये मेरा जी कर रहा था खाने को। ये देखे अरूश ने अपने हिस्से की खुद मंगवाई है, कह रही मैंने अलहदा लेनी है। ऊपर लेके लेकर बैठ गई है। वर्दा वर्दा, ये लो चीज जी, इधर आओ। ये लो आप दिखाओ, और उसको भैया को भी दो, तो उसको भी दो, सारे को भी दो। अरूश वो कह रहा है, चाचू कह रहा है मुझे दो, दे दो थोड़ी सी, कभी भी नहीं देगी ये तो। हाँ ये ज़्यादा नहीं निकल गई तेरे से, जरे देखे कितनी कंजूस है ये, दे दो, ये नहीं किसी को देती। नहीं देगी
नहीं देनी, इधर से ले लो। शाना जी, तो ये किचन के मैंने ना पर्दे वगैरह धोए हैं, इनको नील लगाया अच्छे से, ये धो लिए बैठ के, तो मैंने दोनों विंडो के जो डाल दी हैं, ये चादरें धोई हैं, ये थोड़े जिनके मैं जिनमें मैं सौदा लेके आती हूँ, और ये कपड़े हैं, काफ़ी सारे कपड़े मैंने तह लगा कर भी रख दिए हैं। अभी जी मगर की नमाज़ पढ़ी है, और मेरी बेटी ने ना बनाए थे, पास्ता बनाया था तो वो खाया है, आपको इसकी लुक दिखा देती हूँ। अभी ना दम पर थोड़ा सा ज़्यादा आ गए थे नमाज के टाइम, तो ये थोड़े से ना सोते हो गए ज़्यादा, तो अभी मैं ना ये बिस्तरे बाहर बिस्तरे पर बिछाने लगी हूँ, क्योंकि शाम हो गई है, तो अभी बिस्तरे बिछा कर तो फिर कभी खाना खाना। और मैंने आपको अपने चने भी दिखाने हैं, अभी मैंने चने बनाए और साथ कद्दू शरीफ का साग बनाया था। अरे किधर गया वो चने, किधर रख दिए बेटा, ये देखिए हमारे फ्रिज तो लोड हुआ हुआ है। ये देखें जी, काले वाले चने पकाए थे मैंने, ब्लैक वाले, और साथ मैंने कद्दू शरीफ का सालन बनाया था। ये रहा ये जी कद्दू शरीफ का सालन है। तो अभी हमने चाय भी पी लिया और पास्ता भी खा लिया, जलेबी भी खा लिया। अभी किसी को भूख होगी तो फिर मैं रोटी बना दूँगी, अगर नहीं होगी तो फिर बस पेट तो फुल है। अब मुझे इतनी नींद आ रही, मैं इतनी आज थक गई ना कि यकीन मानकर जाने मुझे से ना बोला भी नहीं जा रहा, ऐसे दिमाग में ना ऐसे ऐसे हो रहा, गर्मी में मैंने सारे काम किए। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में रखिए याद, और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार करें, उनकी हिफाजत करें, उनको पढ़ाएं लिखाएं, अच्छी तालीम तरबियत दें। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त, तो अल्लाह हाफिज़।